महाराष्ट्र में आज भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां बीजेपी ने एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है। तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिलाई, तो वहीं अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। वहीं शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया था, हमारे साथ लड़ी शिवसेना ने उस जनादेश को नकार कर दूसरी जगह गठबंधन बनाने की कोशिश की। महाराष्ट्र को स्थिर शासन देने की जरूरत थी, महाराष्ट्र को स्थायी सरकार देने का फैसला करने के लिए अजीत पवार को धन्यवाद कहा है। वहीं अजीत पवार ने कहा कि परिणाम दिन से लेकर आज तक कोई भी सरकार बनाने में सक्षम नहीं थी, महाराष्ट्र किसान मुद्दों सहित कई समस्याओं का सामना कर रहा था और इसलिए हमने एक स्थिर सरकार बनाने का फैसला किया। तो महाराष्ट्र में आज सबसे बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है, जहां पर कल तक एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बनाने की कवायद चल रही थी और कहा जा रहा था कि किसी भी वक्त औपचारिक ऐलान हो सकता है, लेकिन उसी बीच आज सुबह तस्वीर यहां पर ये सामने आई जब देवेंद्र फडणवीस राजभवन पहुंचे और वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली और उसके साथ ही अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आए। तो इसके बाद ही यहां पर कहा जा रहा है कि रात भर कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा होती रही और आज सुबह तुरंत ही इस पर फैसला, जब तस्वीरें वो एकाएक करके सामने आने लगी, जब मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली। तो जब ये घटनाक्रम महाराष्ट्र में चल रहा था, महानाटक जब महाराष्ट्र में चल रहा था, तो उस दौरान भी देवेंद्र फडणवीस लगातार बार बार यही कहते नजर आ रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो बीजेपी के बनेगा और मैं ही दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ लूंगा। तो ये विश्वास था और कहीं ना कहीं ये विश्वास आज पूरा होता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर कल तक जो एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी, वो आज बीजेपी के साथ नजर आ रही है। अब एनसीपी और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बन गई है, तो देवेंद्र फडणवीस का साफ कहना है चूंकि जनादेश जो दिया था वो बीजेपी को दिया गया था, तो ऐसे में गठबंधन धर्म का पालन शिवसेना ने नहीं किया और दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की गई। तो अब महाराष्ट्र में स्थिर सरकार देने की कोशिश की जा रही है, न कि खिचड़ी सरकार। वहीं अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में कई समस्या है, किसानों का एक बड़ा मसला है और उसके साथ ही कई और भी मसले जिनको लेकर जरूरत थी कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में सरकार बन पाए और इसी को लेकर ये फैसला लिया गया कि एनसीपी बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। तो स्थिर सरकार देने की कोशिश और साथ ही स्थायी सरकार देने के लिए अजीत पवार को धन्यवाद भी यहां पर देवेंद्र फडणवीस ने किया है। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्ठुरपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान
व कायदा यानुसार सर्व तरेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कळविणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे नेता आदरणीय मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी, हमारे कार्याध्यक्ष नड्डा जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे सेवा करने का मौका दिया। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था, किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पार्टी ने, हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और महाराष्ट्र में कितना समय राष्ट्रपति शासन लागू हो, महाराष्ट्र जैसे एक अग्रणी राज्य को ये शोभा भी नहीं देता, और इसके चलते महाराष्ट्र को एक स्थिर शासन देने की आवश्यकता थी, कोई खिचड़ी शासन नहीं जहां पर तीन ऐसी पार्टियां साथ में आ जाए और कोई सरकार बना दे जो चल भी ना पाए। और ऐसे समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजीत दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूंगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने यह निर्णय लिया कि महाराष्ट्र को एक स्थायी सरकार मिले, इस हेतु से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी आए हैं और इसके चलते हमने हमारा दावा आदरणीय राज्यपाल जी को पेश किया। उस दावे की पुष्टि करते हुए आदरणीय राज्यपाल जी ने माननीय राष्ट्रपति जी से अनुशंसा की कि राष्ट्रपति शासन वापस लिया जाए, और राष्ट्रपति शासन वापस लेने के बाद आज यहाँ पर हमको माननीय राज्यपाल जी ने शपथ का निमंत्रण दिया। मैंने और श्री अजीत दादा पवार, इन्होंने शपथ ली है, मैंने मुख्यमंत्री पद के लिए है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के लिए है, और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में एक स्थिर स्थायी इस प्रकार की सरकार हम लोग दे पाएंगे। बहुत दिन आपने देखा, चुनाव 24 तारीख को रिजल्ट आया, तब से अभी तक कौन सा भी कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं सका, और महाराष्ट्र में इतने अलग अलग प्रॉब्लम है, ज़्यादा करके फार्मर्स के जो प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के जो प्रॉब्लम है वो हल करने के लिए लोगों ने चुना हुआ अगर गवर्नमेंट आता है तो उसमें से अच्छे से रास्ता निकालना को मदद हो सकती है, डिसीजन जल्द से जल्द हम ले सकते हैं, इसीलिए हमने ये सब निर्णय लिया और आज गवर्नमेंट हमने स्थापित किया है।